नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भिन्न। तो भिन्न में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि तुल्य भिन्न क्या होती है और तुल्य भिन्न कैसे निकाली जाती है। तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला क्वेश्चन है कि निम्न की तुल्य भिन्न क्या होगी। चार उदाहरण दीजिए या फिर चार तुल्य भिन्न हमें बनानी है। पहला क्वेश्चन है 2/5 की तुल्य भिन्न, यानी हमें चार इसके तुल्य भिन्न बनाकर देखनी है। तो पहले हम ये समझते हैं कि तुल्य भिन्न होती क्या है। तुल्य भिन्न, तुल्य का मतलब होता है तुला, और तुला क्या करती है, बराबर रहती है। तुला क्या करती है, बराबर रहती है, यानी कि 2/5 को मैं ऐसी संख्या से गुणा करूं ताकि वो ऊपर नीचे दोनों तरफ मेंटेन रहे। यानी कि जैसे मैंने 2 से गुणा किया ऊपर नीचे, तो 2 को काटने के बाद भी ये 2/5 बनी रहती है। इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये भिन्न, जब मैं इसको ऊपर गुणा करूँगा तो ऊपर 4 मिलता है, नीचे गुणा करता हूँ तो ऊपर जो मिलता है मुझे 10 मिलता है। तो एक्चुअल में ये 2/5 की तुल्य भिन्न होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा किया है, मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि 2 से ऊपर नीचे गुणा करने से मुझे इसमें भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि ये अब भी इसी के बराबर है। यदि मैं इसको 2 को ऊपर नीचे काट देता हूँ तो मुझे वापस पुनः 2/5 मिलता है। इसलिए इसकी एक तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी, 4/10 हो जाएगी। यदि मैं इसकी दूसरी तुल्य भिन्न निकालता हूँ तो उसके लिए मैं इसे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 × 3 = 6 होता है और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 होता है। तो ये इसकी दूसरी तुल्य भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार मैं इसकी और भी तुल्य भिन्न निकालना चाहता हूँ तो इसी वे में मैं इसे आगे मल्टीप्लाई करता जाऊँगा ऊपर नीचे। ये 8 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 20। तो ये सब इसके तुल्य भिन्न है। आप इसी वे में आगे भी निकाल सकते हैं। आप इसी वे में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है। निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है, 3/4 बड़ा है या फिर 2/5 बड़ा है। तो इसको निकालने के हमारा सीधा सा मतलब ये है कि सबसे पहले हमें हर को बराबर करना है। जब तक हम हर को बराबर नहीं कर देते तब तक हम भिन्न को पता नहीं लगा सकते कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। तो इसको पता लगाने के लिए सीधा सा एक लॉजिक है हमारे पास कि हम इस वाली भिन्न को दूसरी भिन्न के हर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे होगा क्या वो देखते हैं, और दूसरी वाली भिन्न को पहली वाली भिन्न के हर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, नीचे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 20 प्राप्त होगा और इसमें भी हमें 20 मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि ऊपर हमें 15 मिलता है, नीचे 20 मिलता है। दूसरी भिन्न में ऊपर हमें 8 मिलता है, नीचे 20 मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये भिन्न में हमें दोनों भिन्न में 20 मिला है नीचे, यानी कि हर का मान क्या होगा, समान हो गया। अब यदि हर का मान समान हो जाता है तो हम अंश से पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। जिसकी भिन्न जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, यानी कि 15/20 8/20 से बड़ी होगी। यानी कि 15/20 किससे आई थी, 3/4 से, यानी कि 3/4 किससे बड़ा है, 2/5 है। तो ये सबसे सीधा तरीका है भिन्न को पता करने का कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है।